नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनबी पाठशाला। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। जी हाँ, एक नवोद्यान। सो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर के बारे में, यानी गेज पेपर के बारे में। पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट ही हम सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा, वो सिर्फ हमारा रीजनिंग जो होगा वो आपके लिए हिंदी में होगा। बाकी जो मैथ के क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो इसकी चिंता आप ना करना, काफी मजे तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। अच्छे से मैं आपको सभी चीजें समझाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए, और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो भी आकर के हमारा इस वीडियो को देख सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटी के बारे में, यानी मानसिक योग्यता परीक्षण के बारे में। और सबसे पहले हमको भिन्न आकृति बताना है, यानी क्लासिफिकेशन फिगर बताना है। तीन आकृति जो होंगी, तीन फिगर एक समान होंगे, कोई एक डिफरेंस होगा वही आपको बताना होगा। तो हर बार की तरह इस बार भी बाउंड्री लाइन है। दो क्वेश्चंस को आप इधर सॉल्व करके नीचे कमेंट करो, और दो को मैं आपको तेजी से सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि हमें मैथ के क्वेश्चंस भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ एकदम हिंदी और इंग्लिश के साथ में। तो उसको भी तो हमें देखना है ना, और एक क्वेश्चन को भी मिस तो मत करना, और वीडियो को तो शेयर कर ही दिया होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा हमारा डिफरेंट होगा। वैसे भी ये देख करके तो ऐसे ही लग रहा है ऑप्शन नंबर डी हमारा डिफरेंट होगा, बाकी ये तीनों तो सेम ही सेम है। अब बात कर लेते हैं इस फिगर के बारे में। तो ये और ये तीनों फिगर हमारा सेम है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें बस डिफरेंट फिगर ही तो चुनना है। इसमें देखो आपका ये डिफरेंट दिख रहा है, और इसमें आपका ऑप्शन नंबर वन डिफरेंट दिखाई दे रहा है। अब चलिए अब हम बात करते हैं सेम फिगर के बारे में, और सेम फिगर तो एकदम मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो मजा आ जाता है। इसका सेम फिगर हमें बताना है कि कौन सा होगा। इसका तो ऑप्शन नंबर ए होगा, और इसका हमें सेम फिगर बताना है कि कौन सा होगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर, और इस फिगर का जो हमारा सेम फिगर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर जो बी है, बी भी दिया गया है, बट आप चिंता ना करो। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक आ जाता है, तो ये क्वेश्चन हमारा लगभग लगभग गलत है, इस पर आप ध्यान मत देना। अब रहा इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में, तो ये दोनों क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी हैं, ये तो आप सॉल्व खुद ही कर लोगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस में आगे, और यहाँ पे हमको पता तो पैटर्न को पूरा करना है, पैटर्न को पूरा करना है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा पैटर्न आएगा। एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दो, एक को मैं कर देता हूँ। ठीक है भैया, हम कर देंगे, आपने बोल दिया बस हमने कर लिया, ऐसा नहीं है। सॉल्व करो और नीचे कमेंट करो। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यस लिखा गया है, फिर यहाँ पे उल्टा यस लिखा गया है। ओके चलो ठीक है, ये तो हो गया इन दोनों में रिलेशन। लेकिन हमारे तरफ क्या है कि यहाँ पे जो यस लिखा गया है इस साइड, तो इस साइड जो यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए वो हमारा उल्टा यस लिखा हुआ आना चाहिए इस तरफ, और फिर प्लस, और यहाँ पे जो हमारा यस होना चाहिए वो हमारा सीधा यस होना चाहिए। तो यही हमको ढूंढना है कि कौन सा रिलेशन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब वैसे ही दो क्वेश्चंस यहाँ पे भी रहे, और आपको फिर से ये बाउंड्री लाइन के इधर का ही सॉल्व करना है। इधर का तो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, तो चलिए बताना है आपको कि कौन सा हमारा फिगर होगा। तो यहाँ पे देखो ये और ये फिगर में आपस में रिलेशन है, बस इसी फिगर को ये चेंज कर दिया गया है, यानी ऐसे उल्टा कर दिया गया है। तो वैसे ही इस फिगर में और यहाँ पे जो फिगर होगा इसमें हमारा रिलेशन होगा। तो इस फिगर को बस क्या किया जाएगा कि घुमा दिया जाएगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से घुमा दिया जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में, और ये क्वेश्चन जो है ये श्रृंखला से है, और इसमें क्या करो कि नीचे के दो क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। ठीक है चलिए, नीचे के दो क्वेश्चंस और ऊपर के दो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो फिगर है इसको हमको सॉल्व कराना है। तो ये यहाँ पे आ जा रहा है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये तो काफ़ी ईजी है। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, गोला हमारा ऊपर चला जाएगा, गोला ऊपर, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा ट्रायंगल इधर से घूम रहा है, और हमारा ये जो लाइन है ये इधर से घूम रहा है। वाह, ये तो चलो ठीक है, इसका पैटर्न तो हमें समझ में आ गया। अब क्या होगा कि हमारा ये जो सर ये यहाँ पे हमारा ऐसे आएगा, और ये हमारी जो लाइन होगी ये इस तरीके से होगी इधर के साइड में। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब इन दोनों क्वेश्चंस को तो आपने बना करके नीचे कमेंट करना है, क्योंकि देखो जिसका भी कमेंट चाहिए होता है, उसको मैं हॉट देता हूँ। तो अगर जेएनबी पाठशाला से हॉट पाना है तो कमेंट करो। मजाक था। अब चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि फिगर नंबर वन और टू में एक स्पेशल रिलेशन है, उसी तरीके से आपको थ्री और फोर में भी बताना है। तो यहाँ पे ये क्या रिलेशन है, बस ये जो बीच वाला फिगर है इसको चेंज कर दिया गया है,
और लाइनिंग को तो बिल्कुल वैसे ही है। तो चलिए यहाँ पे भी अगर इसको चेंज किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी की तरह, या ऑप्शन नंबर सी की तरह करेक्ट है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, यहाँ पे तीन लाइनें दिया गया है तो इसे त्रिभुज बना है। और ये दो क्वेश्चन तो आप सॉल्व करो वो थोड़ा सा कम जूम, बिकॉज आपको दिखाई भी तो देना चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे तीन लाइन, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 लाइन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब देखो ये दो क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट कर ही दिए होंगे, तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको आकृति को कि कौन सा आकृति इसमें फील होगा भाई हमको बताना है, तो बताओ आप कौन सा होगा। अगर आप ऐसे थोड़ा सा ड्रा करो और तो आप इसको देख करके बताओ कि कौन सा होगा। अरे भैया आपने ड्रा कर दिया थी तो ऐसे ही दिखाई दे दिया कि ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये तो बता दो कि ये कौन सा होगा। आप नीचे कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट करो। ये रहा दो क्वेश्चन, हमेशा की तरह आप भी एक क्वेश्चन सॉल्व करो, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। ओके भैया हम तो सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। इसमें जो हमारा फील होगा वो ये ऑप्शन नंबर डी फील होगा। अब इसको मैं समझाता हूँ, देखिए अगर यहाँ पे अगर आप एक लाइन ड्रा करते हैं तो ये हमारा क्या होगा कि त्रिभुज बन जाएगा, ऐसा त्रिभुज हमारा ये वाला फिगर बन जाएगा। और यहाँ पे बस हमारा यही मिसिंग है, तो ये अगर आ जाता है तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरीके से इसको आपको बताना है कि कौन सा होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं एकदम अच्छे क्वेश्चन के बारे में, और ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा दर्पण प्रतिबिंब के बारे में, यानी मिरर इमेज के बारे में। तो चलिए मेरे दोस्त ये और ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ठीक है भैया हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहली बात तो मिरर इमेज में जब m चेंज होगा तो m हमारा पहले आ जाएगा, m हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर हमारा यश जब चेंज होगा तो यश जो होगा वो हमारा 2 के जैसा कुछ ऐसा चेंज होगा। फिर हमारा i होगा और फिर हमारा c होगा, ऑप्शन नंबर d हो जाएगा हमारा। वैसे ही 17a को हम जब चेंज करेंगे तो ये क्या होगा कि सबसे पहले हमारा ए जो होगा ए हमारा कुछ अलग ही तरीके से बनेगा, एज लाइक कुछ ऐसा ए बनेगा हमारा। ये तो ए भैया आपको ए बनाने भी नहीं आ रहा है। हाँ वो क्या है कि हम लोग जनरली ए ऐसे बनाते हैं लोग, और ये कुछ ऐसा अलग टाइप का ही ए दिया रहता है, इसी के कारण ये हमारा ए हो जाएगा। फिर हमारा आएगा 7, तो 7 जो होगा ये एक ए इधर की तरफ होगा, और ये फिर आएगा हमारा 2, तो 2 जो होगा ये तो कुछ ऐसा होगा। ये तो बनाने में भी बहुत मुश्किल लग रहा है, ए 2 8, ये भी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वैसे भी अगर देखो आपके पास जब क्वेश्चन पेपर हो तो आप ऑप्शंस को जब उठा करके हवा से देखोगे, हवा में उठाओगे तो अब भी आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, और ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कागज कटिंग के बारे में, यहाँ पे देखो कागज कटिंग में ओ रो मत, यहाँ पे देखो कागज कटिंग में एक लाइन कट किया गया, जस्ट जूम इट एंड शॉर्ट दिस। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आप देखो एक लाइन कट करी गई है इस तरीके से, तो इस लाइन को जब हम खोलेंगे तो ये तो एक यहाँ पे भी कट आएगा, यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे भी आ जाएगा। तो बस अब इसी को आप ढूंढ लो कि ये किस में दिया है, तो आप देखोगे कि ये सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया गया है। अब इसको हम कर लेते हैं कम जूम, ताकि आप भी अपने दो क्वेश्चंस को, आपके ये जो 31 32 हैं जो आपके हिस्से में आते हैं इधर के साइड में, इसको आप सॉल्व कर लो। अब चलिए अब ये बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो इसको जब हम खोलेंगे तो 2 यहाँ पे हमारा और 2 यहाँ पे, यानी 4 फिगर तो यहीं पे हमारे बन जाएंगे और फिर 4 फिगर यहाँ पे, ओ वेट, और फिर ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसी के जैसा सेम कर दिया है, जबकि खोलने पे ऑप्शन नंबर सी के जैसा बनेगा। अब चलिए इन दोनों क्वेश्चंस में कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं, कोई नहीं है, ये तो काफ़ी इजी ही है, आप इसको बना ले जाओगे। अब चलिए बात कर लेते हैं हम नीचे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, और ये क्वेश्चंस क्या है कि इसे कौन सी आकृति मिल करके बनेगी, आकृति निर्माण के बारे में। 1 2 और इसे ये 3 है, इनसे हमारी कौन सी फिगर बनेगी, 2, यहीं पे पता चल जा रहा है कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इजी है, तो आप सॉल्व करो, मैं क्यों करूँ। करते हैं इन सभी क्वेश्चंस के बारे में। अब यहाँ पे देखो ये इस तरीके का फिगर दिया है, तो इससे सिर्फ यही फिगर बनेगा, आप खुद यहाँ पे ऐसे और ऐसे लगा करके देखो, यही फिगर बनेगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये तो काफ़ी इजी है, ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही दिखाई दे रहा है।
कर लेते हैं छुपी हुई आकृति के बारे में। तो यहाँ पे बात क्या कर लेते हैं, दो क्वेश्चन से आप बातें करो, दो क्वेश्चन से मैं बातें करता हूँ। ठीक है भैया, हम क्वेश्चन से भी बातें करेंगे। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे क्वेश्चन में जान आ गया है। जान ला दो, नहीं है तो ला दो जान, एकदम जी जान लगा दो, जान आ जाएगा क्वेश्चन में। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से दिखाई दे। अब देखिए अच्छे से दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी में अगर इस क्वेश्चन को हम ढूंढेंगे ऐसे नहीं, ऑप्शन नंबर ए में, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी में ऐसे ऐसे और ऐसे, या ऑप्शन नंबर बी में कुछ हद तक मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को हम पेंडिंग में रखते हैं। बाकी ऑप्शन नंबर सी में अगर सीधी लाइन नहीं, ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखो भग गया, जैसे ही करेक्ट बोला और ये भग गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा दूसरे क्वेश्चंस के बारे में। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे, ये हमारे पास क्वेश्चन रहा, तो इसको अगर हम बनाएंगे तो ये हमारे पास कुछ यहाँ से ऐसे कट होना चाहिए। तो किस फिगर में कट होगा, ये वाह वाह, ये तो हमारा यहाँ पे मिल गया क्या। चलिए इसको हम फिर से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। चाहिए नहीं, इसमें तो नहीं है, इसमें ये सीधी लाइन हमारी, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, वाह ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब इसी तरीके से आपका ये जो दोनों क्वेश्चन है इसको भी मैं जूम कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा और क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा, इन दोनों का भी आंसर आप नीचे रिप्लाई कर देना। अब चलिए अब हम बात करने वाले हैं सबसे धमाकेदार मैथ के क्वेश्चंस के बारे में। तो मेरे दोस्तों मैथ का रहा ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये 2020 या 19 में पूछा गया था, इसी टाइप का पूछा गया था। मैंने लास्ट में थोड़ा सा क्वेश्चंस को चेंज कर दिया है क्योंकि आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 8 मत ढूंढना कि 8 कहाँ पे दिया है, 8 पे क्लिक कर दो, नहीं, मैंने क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करके नया क्वेश्चन बना दिया। यहाँ पे पूछ रहा है कि 40 पक्षियों के एक झुंड में एक चौथाई पक्षी नदी के किनारे गए हैं, 1/5 पक्षी जो है अपने घोंसले में और शेष पक्षी जो है वो भोजन की तलाश में गए हैं। तो कितने पक्षी भोजन की तलाश में गए हैं वो आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए टोटल जो पक्षी हैं वो हमारे पास कितना दिया गया है, 40। इसमें से क्या है कि 1/4 पक्षी हैं, यानी 40 की 1/4 पक्षी हैं जो हैं ये नदी के किनारे गई हैं। तो नदी के किनारे पक्षी कितने गए हैं, 10 पक्षी नदी के किनारे गए हैं। और क्या बोल रहा है कि 1/5 पक्षी जो हैं ये घोंसले में है, तो घोंसले वाले जो पक्षी हैं वो 1/5 है। तो 1/5 40 का जब आप निकालोगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है कि शेष पक्षी जो बचे हुए पक्षी हैं वो भोजन की तलाश में गए, तो भोजन की तलाश में कितने पक्षी गए हैं। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे 18, यानी तो ये दोनों तो 18 पक्षी हो गए। तो अगर आप 40 में से 18 घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पक्षी भोजन की तलाश में गए हैं, यानी टोटल 22 पक्षी जो है ये भोजन की तलाश में गए हैं। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा इजी, लेकिन देखो इसको मैंने इजी वे में जान बूझ करके बनाया है। आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि 40 पक्षी हैं एक झुंड में और हमारे पास ऑप्शन 50 दिया है, ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन 40 दिया है, ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि हमसे पूछा था कि कितने पक्षी, शेष कितने पक्षी भोजन की तलाश में गया है। तो ऑफकोर्स नॉर्मल सी बात है कि वो 40 से कम होंगे और 50 से तो कम होना ही होना है। और यहाँ पे देखो 35 दिया गया है, ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा पास है। और हमसे ऑलरेडी बोला जा रहा है कि 1/4 पक्षी और 1/5 पक्षी घोंसले में हैं और नदी के किनारे गए हैं। तो ये ऐसे ही अगर आप 40 का 1/4 और 1/5 निकालोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये 35 भी नहीं होगा। तो ऐसे भी ऑप्शन नंबर दूसरा ही हमारा सही होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये भी काफ़ी हमारा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यात्रा गाड़ी जो है ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और ये एक स्टेशन पे जो ऑलरेडी से एक मालगाड़ी थी वो 6 घंटे पहले ही चल चुकी है, लेकिन फिर क्या होता है कि 4 घंटे में ये जो मालगाड़ी से आगे हो जाती है जो यात्रा गाड़ी होती है, तो मालगाड़ी की चाल क्या होगी। और पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर लीव द स्टेशन 6 आवर्स आफ्टर अ गुड्स ट्रेन लीव गुड्स। देखो यहाँ पे GOODS गुड्स जब लगा रहता है तो गुड्स मतलब होता है मालगाड़ी। गुड्स ट्रेन लीव द रेलवे स्टेशन एंड ओवरटेक अ गुड्स ट्रेन इन 4 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन। पहले देखो यहाँ पे समझो, ये जो हमारी यात्रा गाड़ी है ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और उसके बाद से हमसे बोल रहा है कि ये जो हमारी मालगाड़ी है ये 6 घंटा पहले ही जा चुकी है, स्टेशन छोड़ चुकी है, लेकिन फिर भी ये यात्रा गाड़ी इतना तेज चल रहा है कि इनको 4 घंटे में ही पीछे कर देता है, यानी ये 6 घंटा पहले से आगे चल चुकी है और 4 घंटा और लगता है इनको पीछे करने में, यानी 10 घंटे में टोटल ये पीछे हो जाती है। तो चलिए ठीक है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे
पहली बात तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो चाल दिया गया है ये सिर्फ यात्रा गाड़ी का हम निकाल रहे हैं। ये हमारा दिया गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और यात्रा गाड़ी क्या है कि 4 घंटों में मालगाड़ी को पीछे कर देती है। तो यहाँ पे देखो, हमारा जो समय दिया गया है वो 4 घंटे दिया गया है, किसके परिपेक्ष में, यहाँ पे हमारे यात्रा गाड़ी के लिए। तो यहाँ पे अगर हम दूरी निकालेंगे कि यात्रा गाड़ी ने 4 घंटे में कितनी दूरी तय की, यानी 4 घंटे में ही तो पीछे किया ना मालगाड़ी को, तो हमें दूरी पता चल जाएगा। तो हो जाएगा हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 320 किलोमीटर, यानी दूरी का समय होता है चाल गुणे समय, यानी स्पीड इंटू टाइम। तो इस तरीके से ये 320 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखो, अब ये जो 320 किलोमीटर आ रहा है, ये जो दूरी है हमारा, जो डिस्टेंस है, अब ये जो डिस्टेंस आ रहा है इसको आप गौर करो, अब ये वही डिस्टेंस है जिसको कि मालगाड़ी ने 10 घंटे में कंप्लीट किया है, क्योंकि मालगाड़ी 6 घंटे पहले तो चल रही है, लेकिन 4 घंटे में ये जो हमारी यात्रा गाड़ी इसको पीछे कर देती है। तो इसी सेम डिस्टेंस को, सेम दूरी को तय करने में मालगाड़ी को 10 घंटे लगे हैं, लेकिन यात्रा गाड़ी को सिर्फ 4 घंटे। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा जो यहाँ पे समय दिया गया है वो दिया गया है 10 घंटे। आप कहोगे 10 घंटे कहाँ से, ये 6 घंटे पहले से तो आगे जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद से 4 घंटे में मालगाड़ी और लगता है, 4 घंटे यात्रा गाड़ी को पीछे करने में। तो ये 6 घंटा और ये 4 घंटा, ये दोनों मिलकर के हमारे हो जाएंगे 10 घंटा। तो इस तरीके से ये 10 घंटा हमारे हो गए। लेकिन यहाँ पे देखो, हमसे पूछ रहा है कि चाल क्या होगा। तो अब देखो, तुम जब हमको मालगाड़ी का चाल निकालना है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय वैसे ही हमारा 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि अब आप भी ज़्यादा बोर हो गए होगे मस्त क्वेश्चंस पढ़ करके, इसलिए चलो छोटा सा क्वेश्चन एक देख लेते हैं। यहाँ पे हमको 1200 का गुणनखंड बताना है। पहली बात देखो, यहाँ पे हम ऑप्शंस पे ही बता देंगे, ऑप्शंस एकदम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आप बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी और सी और ए क्यों नहीं करेक्ट होगा। देखो मेरे दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सभी जगह पे 10 × 10 मल्टीप्लाई समथिंग दिया गया है। अब यहाँ पे देखो, ये जो 10 है ये कभी भी 10 नहीं लिखा जाता, ये 2 × 5 लिखा गया रहता तभी हमारा करेक्ट होता, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट 10 लिख दिया गया, इसीलिए ये हमारा सही नहीं होगा। और वैसे भी यहाँ पे 4 को भी आप देख सकते हो, 4 जो लिखा गया इसके जगह पे भी 2 × 2 लिखा होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। और वैसे भी आप चाहो तो इसका ऐसे 2 से डिवाइड करके पहले 6 फिर वैसे 300 वगैरह वगैरह करके आप पूरा निकाल सकते हो। मेरे दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन कई बच्चों के लिए मुश्किल होगा, इसलिए मैंने इसको रख लिया क्वेश्चन में। अब चलिए, यहाँ पे पहले हमको इसको ऐड करना है, तो सबसे पहले हम इसको ऐड ही करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये 55.55 और तो ये हो गया हमारा 55.55, और फिर हमारा ये 0.05, और ये हमारा 5, तो ये 5 से 10 ये 6, और यहाँ पे ये हमारा 0 और 6 ये 60 आ गया हमारा। तो चलो ये 60 नहीं बोलते हैं इसको, 60 बोलते हैं। अब इसको हमको डिवाइड करना है 10.1 से। अब देखो, नीचे 1 डिजिट के बाद से दशमलव है, ऊपर 2 डिजिट के बाद से दशमलव है, तो हम क्या करेंगे, एक 0 अपने मन से इंक्रीज कर लेंगे। अब दोनों ऊपर और नीचे, दो अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव हमारा कट फट हो जाएगा, और 0 से 0 भी हमारा कैंसिल हो गया। अब देखोगे कि ये 606 आएगा, और यहाँ पे नीचे 101 आएगा। अब देखो, अब ये काफ़ी आसानी से कट जाएगा, अगर सिर्फ 6 से आप नीचे वाले में मल्टीप्लाई करा दो तो ये 6 से डायरेक्ट कट जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भाई आप इतने आसानी क्वेश्चन मत लाओ, तो ये लो मुश्किल क्वेश्चन, एकदम खतरनाक क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन, आग लगा देगा ये क्वेश्चन। तो पहले आप इसका आंसर तो दे दो, फिर मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ पे बोल रहा है रोहन, अपने यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि रोहन अपने मासिक आय का 0.025 भाग अपने पुत्र विनोद को जेब खर्च के लिए देता है, विनोद उसका 0.8 भाग खर्च करता है, 3 महीने में वो इतना रुपए बचाता है, तो रोहन की मासिक आय, ये रोहन लिखा गया, रोहन इसको रहता तो सही रहता, रोहन गिव्स 0.025 पार्ट्स ऑफ हिज मॉडलिंग इनकम टू मिस्टर विनोद फॉर पॉकेट मनी, विनोद 0.8 पार्ट ऑफ हिज नेट इन 3 मंथ, ही सेव 277.5 इज द रोहन मंथली इनकम। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप समझो। सबसे पहले देखो, रोहन 1 महीने का अपना जो भाग होता है सैलरी का, वो अपने पुत्र को देता है, कितना देता है यहाँ पे, ये 25/1000। भैया इसको आपने डायरेक्ट कैसे लिख लिया, देखो यहाँ पे 0.025
025 लिखा गया है, तो इसको जब आप बदलोगे भिन्न में तो ये इतना ही आएगा। और इतने तो आप समझदार हो ही, अगर जेएनबी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो आप बता ही लोगे। तो इतने भाग क्या करता है, वो अपने पुत्र को देता है जेब खर्च करने के लिए। और क्या उसका पुत्र क्या करता है कि उसका 0.8 भाग खर्च करता है। 0.8 का मतलब कि 8/10 भाग खर्च करता है। अब चलिए इसको हम थोड़ा कट पीट कर लेते हैं, ये 25 से 1 बार में और 25 से ये 4 यानी 40 आ जाएगा, और ये 8 से 5 बार में, तो इस तरीके से ये सिर्फ 1/50 आया। अब देखो 1/50 भाग क्या करता है कि वो खर्च करता है, और 3 महीने में कितने रुपए बचा लेता है, इतना रुपए हमारा बचाता है वो। तो बस वही हमको बताना है कि रोहन की मासिक आय क्या होगी। रोहन की मासिक आय हम मान लेते हैं कि एक्स होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। अरे दोस्तों ये तो हो गया वो जो खर्च करता है, लेकिन वो बचाता कितना रुपए, इतना रुपए, तो कितना भाग बचाता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अगर देखो उसके पास इतने रुपए मिले थे विनोद को, तो अगर विनोद को इतने रुपए मिले थे तो अगर इसमें से वो जितना रुपए खर्च करता अगर उसको हम माइनस कर देंगे तो कितने रुपए बचाता है ये हमें पता चल जाएगा। तो चलिए पहले उसको हम निकाल लेते हैं कि वो कितने रुपए बचाता है, क्योंकि जब तक अगर ये हम नहीं निकालेंगे कैसे हम बता देंगे। तो ये 25/1000 को अगर हम डायरेक्ट लिखें तो 1/40 हो जाएगा। तो 1/40 माइनस 1/50 रुपये तो खुद बचाता है, 1/50 बचाता है। और ये जो बचाता है ये टोटल 3 महीने में बचाता है। अब ये जब 3 महीने में बचाता है तो ये 277 और ये 0.50 है, 50, तो इसको 0.50 न लिख करके डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ सिर्फ 5 लिख देता हूँ और बटा 10 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखो 0.10 रहता तो यहाँ पे मैं 100 लिखता, 0 से 0 कैंसिल होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब ये देखो अब यहाँ पे बन गया हमारा इक्वेशन, बस इसी को सॉल्व कर देना। चलिए ऊपर वाले को हम कर लेते हैं इरेज, हो जाओ जी इरेज, इरेज हो गया। अब चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये एलसीएम हमारा 200 आएगा, ये 50 इधर और 40 इधर, यानी 10/200। 10/200 का मतलब हमारा हो जाएगा 1/20 और 1/20, चलिए ठीक है इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये हमारा 3 × 1/20 और ये हमारा इक्वल हो गया 277 5/10 के। अब यहाँ पे देखो अब हमने अगर मैं चाहूँ तो रोहन का मासिक आय x मान सकता हूँ और x से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा सकता हूँ ताकि डायरेक्ट हमें x की वैल्यू मिल जाए। तो चलिए हम वही करते हैं ताकि हमको x की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से क्या होगा कि हमको टोटल 1 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और जब 1 की वैल्यू मैं निकालूंगा तो कई बच्चे अभी कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने x लिख लिया। अब चलिए अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे कि ऊपर हमारा 3x/20 और इक्वल ये हमारा 277 5/10 हो जाएगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये हमारा x बराबर क्या होगा, ये 277 × 20/10 × 3, ये 10 से हमारा 22 बार में कट जाएगा और ये 3 से जब हम कट करेंगे तो ये 925। अब ये देखो 925 × यहाँ पे ये 2 हमारा बचा है, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, देख लो आप ध्यान से। अब चलिए अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, एकदम धमाकेदार गजब का क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करो और नीचे कमेंट करो। अरे भैया हमें आए काहे नहीं, हम कैसे बना दे इसको, ये तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम आपसे यही तो पूछना चाहते थे। खैर कोई नहीं, हम आपको समझा देते हैं। एक दुकानदार 15 मेज 500 रुपये प्रति मेज की दर से खरीदता है। देखो एक मेज को खरीदने में प्रति मेज बोल रहा है, यानी पर टेबल 500 रुपये में खरीदता है और 15 टेबल खरीदता है। तो चलिए डायरेक्ट इसको हम सॉल्व भी करते जाते हैं। तो यानी 15 टेबल का दाम कितना रुपये हो गया, 7,500 रुपये। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि 20 कुर्सियाँ खरीदता है, प्रति कुर्सी 300 रुपये, यानी पर चेयर जो खरीदता है 300 रुपये में खरीदता है, वो 20 चेयर खरीदता है। तो 20 × 300 = 6,000 ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि 40 रुपये वो परिवहन पे खर्च करता है, यानी उसके ट्रांसपोर्टेशन पे वो 40 रुपये स्पेंड करता है। तो यहाँ पे देखो ये जो 40 रुपये होगा वो भी हमारे ये सीपी में ही ऐड होगा, और जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो चलिए नीचे मैं लिख लेता हूँ कि ऐड करने पे कितना आएगा, ये 045 और ये हमारा 13, यानी 13,540 रुपये, यानी सिर्फ हमारा जो सीपी हुआ जितना में वो टोटल कुर्सी खरीदा है वो 13,540 रुपये हो गए। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि वह इन मेज तथा कुर्सियों को दोनों को मिला करके सबको 380 रुपये प्रति एक सामान की दर से बेचता है। अब देखो अब उसके पास तो 15 टेबल थे और 20 कितनी चेयर थी,
अब उसके पास टोटल 35 सामान है। अब इन 35 सामानों को क्या कर रहा है कि 380 रुपया में बेच रहा है। तो अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं एसपी निकालने के लिए, हमें ऊपर इसको मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट डिलीट हो गया ना। सीपी कितना रहा, 540। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे देखो, अब हमने एसपी डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम हमारे पास 35 सामान है तो हम 35 इंटू और ये बेच कितने में रहा है 300, ये 380 रुपये में बेच रहा है और इसको हम इक्वल कर देंगे। सो मेरे दोस्तों जब हम इसको निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 13,300 ये हमारा आ गया। अब देखो ये हमारा हो गया एसपी और ये हो गया हमारा सीपी, और हमसे क्या बोल रहा है तो उसका लाभ या हानि क्या होगा, वो उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सबसे पहले अब देखो कि सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हो कि हमारा सीपी बड़ा है। तो यहाँ पे अगर सीपी बड़ा है, हमने ज़्यादा रुपये में खरीदा और कम रुपये में बेचा है, तो नॉर्मल सी बात है कि हमें लॉस होगा यानी हानि होगी। तो हानि बस हमको बताना है कि कितने रुपये की हानि होगी, कोई परसेंटेज भी नहीं बताना है। तो हानि का फॉर्मूला जो होता है उसको हम लिख लेंगे कि सीपी माइनस एसपी, तो ये 1350 माइनस 13,300। तो इस तरीके से जब हम इसको निकालेंगे तो ये 240 रुपए की हमको हानि होगी। 240 रुपए का हानि, 240 रुपए का हानि, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देख रही है सभी के सभी कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है, तो आप कंफ्यूज ना होना, आप जेएनबी पाठशाला से पढ़ते हो, कंफ्यूजन इज नथिंग। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया गया है, उनमें से पहली संख्या अन्य संख्या की दुगुनी है, तब छोटी संख्या क्या होगी। चलिए पहले इसको हम लिख लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज समथिंग एंड द फर्स्ट एंड द फर्स्ट ऑफ देम इज ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपको समझिए, हमारी जो पहली संख्या है उसको हम मान लेते हैं कि लेट्स अज्यूम द फर्स्ट नंबर इज एस एक्स, देन द अनदर नंबर, यानी अनदर नंबर जो अदर नंबर है वो हमारा कितना हो जाएगा, उससे दुगुना है, ट्वाइस है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x। और बस इन्हीं दोनों का हमारा जो मल्टीप्लाई है x इंटू 2x का जो प्रोडक्ट दिया गया है वो हमारा कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, इतना 8192 दिया गया। तो बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल 8192। तो देखो सबसे पहले x स्क्वायर को इधर ही रखो और इक्वल 2 से हम 2 से क्या करेंगे, ओ सॉरी यहां पे 2 है, 92 है। तो अब जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहां पे 192 है और इसको हम 2 से डिवाइड करने वाला है, तो जब इसको हम करेंगे तो ये 4 बार में, फिर ये हमारा आएगा 0, फिर ये हमारा 9, फिर ये हमारा 12 यानी 6 बार में, यानी 4096 आ जाएगा, यानी x स्क्वायर इक्वल 4096 आ गया। अब देखो हमारे पास x स्क्वायर है, तो x का जब हम वैल्यू निकाल लेंगे तो ये x स्क्वायर जो है ये हमारा रूट में बदल जाएगा, और 4096 की जो रूट में वैल्यू होती है वो आपको बताना है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो कौन सी हमारी वैल्यू होगी, 8 तो होगा नहीं, 8 का तो काफ़ी छोटा सा होता है, यहाँ पे 16 का भी नहीं होगा। अब 32 और 64 है, तो चलिए अगर हम 64 का निकालते हैं, 36, तो यही हमारा करेक्ट होगा। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना, और जेएनबी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है यानी सिलेक्शन से दूर भाग रहे हो, अरे यार जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, और जितने दोस्तों के पास हो सके सबके पास शेयर करो, और वीडियो को लाइक तो जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह जय हिंद जय नवोदय।